गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं भाई आप लोग चलो आई थिंक हमारी आवाज़ जा रही होगी आप तक जल्दी से फटाफट एक बार कमेंट करके आप लोग बता दें साउंड सिस्टम सही ऑडिबल हो या फिर आपका वीडियो हो सारी चीज़ें बेटर हों तो हम लोग चलें क्लास स्टार्ट करें <coughs> चलो हाँ जी गुड मॉर्निंग अच्छा चलो ठीक है कौन कौन है यहाँ पे आपके संजय हैं शिमी हैं बॉडी बिल्डिंग हैं एंड हर्ष हैं नीपू पांडे एंड एवरीथिंग जो लोग भी हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या पढ़ना है हम लोगों को आज भाई वैसे तो हम लोगों को आज पढ़ना है सॉफ्टवेयर क्या पढ़ना है सॉफ्टवेयर और अच्छी बात यह है कि सॉफ्टवेयर का जो रोल है वो ह्यूमन में ह्यूमन बीइंग में भी बहुत ज्यादा है और मशीन में भी बहुत ज्यादा है तो हम लोग दोनों चीजों को देखेंगे ब्रीफ में देखेंगे एक्सप्लेनर एक्सप्लेन के, के साथ देखेंगे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे चीजों को समझेंगे ठीक है चलो हाँ जी अन, आ, अशिका रस्तोगी देवा ज्ञान और ये कौन है आसिफ भट्ट शिमी रूपेश नीपू एंड एवरीथिंग जो लोग भी आ गए हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोगों को भी पढ़ाने में और मजा आए ना चलो तो देखो सॉफ्टवेयर की बात हमने कल एक्सप्लेनेशन कर ही दिया था कि सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं वो चीजें मैं आपको अब नहीं बताऊंगा ठीक है जो लोग भी नहीं देखे हुए हैं वो लोग एक बार जो है चलो कुछ वो कर ले क्या नाम पिछला वीडियोज एक बार देख लें चलिए जी हाँ। चलो ठीक है जी पाकिस्तान से हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन ये है कि थोड़ा शेयर कर दीजिए पाकिस्तान में भी ठीक है चलो भाई हमने सॉफ्टवेयर की बात करी है तो देखते हैं पहले कि सॉफ्टवेयर होता क्या है ठीक है हाँ बिल्कुल सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखो एक चीज जान लो मैनी प्रोग्राम फंक्शन टुगेदर टू डू अ टास्क मेक अ सॉफ्टवेयर जैसे मान लो क्या हुआ बहुत सारी बहुत सारे चीजों को मिला करके क्या बनता है हमारा जैसे बहुत सारे नेटवर्क को मिला करके इंटरनेट बना ठीक है बहुत सारे कंप्यूटर को मिला करके हमारा इंटरनेट वैसे ही हमारा बहुत सारे प्रोग्राम को जब हम लोग लिखते हैं जब प्रोग्राम को हम लोग डेवलप करते हैं देन हमारा क्या होता है एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है जैसे अगर हम बात करें आपके मोबाइल फोन की मोबाइल फोन तो सभी लोग इस्तेमाल करते हो चाहे वो कोई भी फोन हो कुछ भी हो इस्तेमाल सभी लोग करते हो आप भी करते हो घर में भी दो चार दस फोन बीस फोन सबके घर में है लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये व्हाट्सएप जो चलता है ये चलता कैसे है कभी आपने सोचा है कि जो आप कॉल करते हो उसका वो एक सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया है प्रोग्राम से कभी नहीं सोचा है लेकिन आज आपको सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो हम लोग कॉल करते हैं वो कॉल कैसे करते हैं ठीक है उस कॉल करने की प्रक्रिया क्या होती है बात समझ में आई यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप कैसे डेवलप किया गया इन चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे ठीक है तो एक बात क्लियरली आप समझ लो कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में चल रहा है तो वो बहुत सारे प्रोग्रामों का कैंबिनेशन होता है क्या होता है बहुत सारे प्रोग्राम का कैंबिनेशन होता है जब तक बहुत सारे प्रोग्राम नहीं किए जाएंगे तब तक किसी प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो सकता क्लियर बात समझ में आई हमें प्रोग्राम को करना ही करना पड़ेगा क्लियर चलो तो ये हमारा क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है दूसरी चीज अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें पहली चीज तो हो गया कि बहुत सारे प्रोग्राम को मिला करके हम लोग सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं दूसरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कहते हैं कि जैसे मान लो इंसान है ह्यूमन है। बींग है, आप हैं रोड का कोई व्यक्ति है समझने की कोशिश करना मजा आ जाएगा ठीक है कोई भी व्यक्ति है सपोज दैट ये सोचो आप कि अगर उस व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा बताओ हाँ बिल्कुल जी अगर किसी व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर दिया तो क्या होता है उसको हम लोग पागल कहते हैं क्या कहते हैं पागल ये पागल है कुछ भी कर सकता है रोड पे चिल्लाते चला जाता है कभी कभी लोगों को गालियां देते चला जाता है लोगों को पीट भी देता है मार भी देता है कुछ भी कर देता है उसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं होता है बात समझ में आई कोई दुनियादारी से मतलब नहीं होता है ऐसे ही हमारे कंप्यूटर कंप्यूटर में भी होता है जो का दिमाग है वो सॉफ्टवेयर है अगर सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दिया तो कहते हैं कि कंप्यूटर इज मेंटल क्या कहते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर इज मेंटल यानी कि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हमारा क्या होता है मेंटल होता है यानी कि पागल होता है बिल्कुल सही बात है एक बात जान लो कि अगर मान लो आप कोई भी काम कंप्यूटर में कर रहे हो और सॉफ्टवेयर क्रैक हो गया सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो सोचो आप कि कंप्यूटर कभी कभी आप करते हो गाना बजाते हो खेसारी लाल यादव का बच जाता है आपके पंजाबी का ठीक है गबरू का बज जाता है बस गुरु रंधावा का बज जाता है कि नहीं बच जाता है ऐसा होता है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो पागल हो चुका उससे कहेंगे बेटा इधर जा तो जाता उधर है। ऐसा होता है ना बस इन्हीं चीजों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी होता है अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर क्या है पागल है कंप्यूटर इज अ मेंटल विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज अ मेंटल यू कैन सी चलो हाँ जी बिल्कुल सही बात है सभी लोग कमेंट्स आने चाहिए और हाँ यार लाइक कर दो ठीक है देखो एक बात और जान लो सॉफ्टवेयर को ना तो हम लोग टच कर सकते हैं ना तो हम लोग देख सकते हैं सीधी सी बात है कहते नहीं कि वी कैन वी कैन नॉट टच वी कैन सी दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर सबसे इजी अगर कोई डिफिनेशन uh, माना जाता है सॉफ्टवेयर का तो यही माना जाता है ना लोग कहते हैं कि ना तो हम उसे देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं यही हमारा क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है बस इतना लोग समझा देते हैं और यही को लोग मान भी लेते हैं ना एग्जैक्टली मान लेते हैं यार इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है है ठीक यही हमारा होता है सॉफ्टवेयर क्लियर सॉफ्टवेयर की बात करें हम लोग दूसरी चीज आगे की बात चलते हैं हाँ आगे की बात आ, रोशन स्टेटस बिल्कुल जी वेलकम अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो निर्देशों निर्देश एक बार जान लो एक्चुअली में ये क्या होता है दो चीजों का ग्रुप से बनता है या तो इंस्ट्रक्शन या तो इंस्ट्रक्शन या तो प्रोग्राम्स ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड आल्सो प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर बिल्कुल जी बिल्कुल बात समझ में आई जो सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का समूह होता है जो कि किसी भी कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एकदम सीधी सी बात समझो ये क्या होता है हाँ, चलो ये क्या होता है एक्चुअली कि हमारा जो कंप्यूटर होता है या तो प्रोग्राम से बनता है या तो इंस्ट्रक्शन से बनता है अगर इंसान के अंदर देखे तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है हमें आपसे कोई काम करवाना है तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बात समझ में आई तो बस वही चीज या तो हम आपके माइंड में प्रोग्राम डेवलप करें क्राइटेरिया डेवलप करें तब जाकर के आप कोई काम करोगे एकदम सिंपल सी बात है चलो तो एक्चुअली ये क्या होता है निर्देशों तथा प्रोग्रामों का जो समूह होता है जिसे हम किसी भी कार्य को इस्तेमाल करने के लिए करते हैं बात समझ में आई यही हमारा क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है हाँ, एक एक लास्ट पॉइंट समझ लो सॉफ्टवेयर का कि हम अपने जीवन में एकदम ध्यान से समझना हम अपने जीवन में अपना मन पसंदीदा कार्य अगर कोई भी करना चाहते हैं तो वो एक ही ऐसा माध्यम सॉफ्टवेयर है जो कर सकता है यानी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने मन पसंदीदा कार्य को कर सकते हैं क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने मन पसंदीदा कार्य को कर सकते जैसे मान लो अगर आपको गाना सोच रहे हो गाना सॉन्ग सुनने हैं तो गाना ऐप डाउनलोड कर लिया बात समझ में आई अगर आपको वीडियो कॉल करना है तो आई डाउनलोड कर लिया वीडियो चैट डाउनलोड कर लिया या फिर कोई भी चीज डाउनलोड कर लिया मतलब सोचो आपके माइंड में जो भी चीजें आज के समय में आपको पढ़ना है कंप्यूटर पढ़ना है यूनिक ग्रुप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया बात समझ में आई देखो सारी चीजें सारी चीजें आपके माइंड से ही डेवलप होती हैं तो जो भी आप सोच रहे हो वो सारी चीजें उस टाइप के एप्लीकेशंस मार्केट में डेवलप हो चुके हैं बात समझ में आई उस टाइप के एप्लीकेशंस मार्केट में हाँ ऐप कैसे बनता है बताएंगे कैसे बनता है घबराओ मत ठीक है पहले लैंग्वेज पढ़ना सीख लो बात समझ में आई तो हम अपने मन पसंदीदा कार्य अगर हमें कोई भी करना है इनफैक्ट छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा देन हमें सॉफ्टवेयर की ही मदद से कर पाएंगे और कोई ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं होता है क्लियर हो गया सबको क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है जल्दी से फटाफट सभी लोग थम दिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है देन हम लोग तुरंत के तुरंत आगे बढ़ेंगे जल्दी दिखाएंगे आप लोग चलो बिल्कुल जी हाँ बहुत सारे लोग हैं पटना से भाई चलो ठीक है ठीक है अरे वाह चलो अब देखो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स की तो हमने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर के बेसिकली आपके दो टाइप्स होते हैं पहला होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर ले लेते हैं यार चलो पहला क्या होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बात समझ में क्या होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाँ बात समझ में आई सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं इनके टाइप्स को पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है क्लियर हाँ जी अच्छा जी भैया हम प्रयागराज से हैं अच्छा ठीक है जी चलो अगर हम बात करें किसके सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा डिफिनेशन माना जाता है क्या कहते हैं लोग जान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है हाँ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम बिस डिजाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द एक्शन ऑफ प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है उसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं किसके नाम जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं ठीक है जी अच्छा ग्वालियर से हैं आप उत्तर प्रदेश से हैं जी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े हुए हैं ठीक है चलो एक चीज जान लो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली में क्या होता है और क्यों यूज होता है कब बनता है सीधी सी बात समझ लो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ना तो हम लोग इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं ना ही अन इंस्टॉल कर सकते हैं बात बात समझ में आई अगर हम बात करें हाँ चलो क्या बताया हमने आपको अगर हम बात करें आपके किसके सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो बेसिकली इसे हम लोग कहते हैं कि जनरली प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ कंप्यूटर मैनुफैक्चरिंग यानी कि जब आपके कंप्यूटर को हा जब आपके कंप्यूटर को डेवलप किया जाता है उस टाइम की बात अगर हम लोग करें तो उस टाइम पे जिस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है वो आपका कहलाता है क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि किसी भी कंप्यूटर किसी भी डिवाइस को जब हम लोग बनाते टाइम पे कुछ सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं ठीक है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं चलो किसके नाम जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं भाई <laughs> चलो ठीक है भाई कहा आपको कमेंट नहीं पड़ेंगे सुधीर जी क्या कह रहे हैं आप सर सॉफ्टवेयर कैसे बनाए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा आपको ठीक है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो हमारे यहाँ पढ़ाया जाएगा ठीक है हाँ सब कुछ सारे सॉफ्टवेयर सारे आपके लैंग्वेजेस सब कुछ पढ़ाएंगे हम बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो हाँ हाँ बिल्कुल एक बात जान लो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कैसे काम करता है ये आपका एक्चुअली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो बीच में कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं किसके नाम जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं क्लियर हो गया सबको चलो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेसिकली आपके तीन पार्ट होते हैं ये मैंने कल बताया था आपको लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं पहला होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तीसरा होता है आपका डिवाइस ड्राइवर ये तीन चीजें आपको देखनी है बिल्कुल जी कोचिंग का नंबर बिल्कुल मिल सकता है क्यों नहीं मिलेगा आप जो है सेवन टू सेवन फाइव डबल फोर थ्री जीरो फोर एट पर संपर्क कर लें, व्हाट्सअप कर लें, कॉल कर लें से आपको डिटेल्स कुछ मिल जाएंगे चलो अगर हम बात करें अब एक एक टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम किसके नाम से जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की किसकी बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है कि जो आपके यूजर और कंप्यूटर के बीच में कार्य करे, समझ लो। एकदम क्लियर समझ लो जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में कार्य करे उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेट शॉर्ट नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओ एस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शॉर्ट नेम होता है उसे हम लोग ओएस कहते हैं यानी कि नेम ऑफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एक बार जान लो आज अगर कहीं ओएस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हुआ क्या होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहली चीज हमने क्या बताया आपको कि ये हमारा डू वॉक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर यह आप लिख सकते हो कि डू वॉक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो कार्य करे उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं क्लियर दूसरी चीज कंप्यूटर प्रोग्राम को जो जो संचालन करता अच्छा पहले समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है यूज कहां होता है पहले थोड़ा समझ लो आपने कभी लैपटॉप कंप्यूटर खोला ही होगा जब आप कभी कंप्यूटर जैसे खोलते हो तो जो चीजें आपको प्रत्यक्ष रूप में वहां दिखती है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एक बात और दूसरी चीज कभी भी जब आपका कंप्यूटर हैक करे बात समझ में आई हाँ, जैसे मान लो आपका कंप्यूटर कभी हैंग कर रहा है आप कहते नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट हो गया है सॉफ्टवेयर हो गए हैं आपके कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस आ गए हैं आपको फॉर्मेट करवाना ही पड़ेगा ऐसा सुनने को मिलता है ना बताओ जब आप जाते हो उसे फॉर्मेट करवाने के लिए सोचो जैसे ही आप जाते हो उसे फॉर्मेट करवाने के लिए वहां आपसे पूछता भैया कौन सा वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है यानी फॉर्मेट करना है तो विंडो टेन डालना है वहां जाकर के पूछता है आपसे बात समझ में आई क्या करता है वहां जाके आपसे तुरंत पूछता है आप जैसे ही कहते हो भैया विंडोज टेन डालना है वो आपसे कहेगा भैया चार सौ रुपया आपका लगेगा तब हम आपकी सारी चीजें इंस्टॉल कर पाएंगे वो क्या करता है एक्चुअली में विंडोज 10 का बूट बनाता है और उसे आसानी से फॉर्मेट कर देता है और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे अपडेट कर देता है बात समझ में क्या करता है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वहां पे अपडेट कर दिया जाता है वही होता है कंप्यूटर का फॉर्मेटिंग लोग कहते हैं ना कंप्यूटर फॉर्मेट 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 अरे मेरे भाई फॉर्मेट कुछ नहीं होता है उसी विंडोज को चढ़ा देना ही कंप्यूटर में फॉर्मेट कहते हैं बात समझ में आई और वही चढ़ाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही और कुछ नहीं चढ़ा जाता है भाई क्लियर समझ लो और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ आपका वही चढ़ा जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं क्लियर हुआ चलो चलो जी बिल्कुल भाई हां एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना चलो ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया अब इसके एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करें तो चलो फटाफट -फड़ सभी लोग इसके एग्जाम्पल बताओ इसके एग्जाम्पल सभी लोग बताओ चलो पहला क्या हो जाएगा आपका लाइनेक्स दूसरा क्या हो जाएगा आपका यूनिक्स तीसरा क्या हो जाएगा आपका विंडोज चौथा क्या हो जाएगा आपका डॉस पांचवा क्या हो जाएगा आपका उबंतु छठा क्या हो जाएगा आपका एंड्रॉइड सातवां क्या हो जाएगा आपका मैक इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको यहां पे लिखवा दिए समझ बसवनजयी इतने सारे हमने क्या किया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लिखवा दिए लाइनेक्स यूनिक्स विंडोज टू डॉस आपका एंड्रॉइड सात ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थोड़ा थोड़ा डिटेल्स इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं आईओएस को ही मैक कहते हैं जय पबजी बात समझ भाई इसको ही हम लोग मैक के नाम से जानते हैं भाई कुछ अलग से मैक नहीं होता है मैक का ही पार्ट आई यूएस है ठीक है बात समझ में आई चलो अगर हम बात करें आपके किस की लाइनेक्स की तो यह हमारा दूसरे नंबर का इससे पहले आया था आपका यूनिक्स उससे पहले क्या है? और इससे भी पहले आपका आया था डॉस हम एक करके बता देते हैं क्या होता है जो आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ध्यान से हमारी बात समझना कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इसकी गारंटी मेरी है बात समझ में आई इसकी गारंटी मेरी कभी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे अगर हम लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स क्या होता है हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मल्टी कंप्यूटर में जो कार्य करे वो हमारा क्या होता है आपका इसे माना जाता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसी की अपेक्षा यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिंगल यूजर होता है क्या होता है सिंगल यूजर होता है जान लो ध्यान से आपका जो यूनिक्स होता है ये आपका सिंगल यूजर है और जो आपका लाइनेक्स होता है ये आपका क्या होता है मल्टी यूजर है बात समझ में आई क्या होता है मल्टी यूजर है यानी कि आपका लाइनेक्स और यूनिक्स क्या आपका लाइनेक्स और यूनिक्स ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो हैं वो बहुत अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं हाँ जी बिल्कुल जी चलो हां लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हाँ ठीक है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिंगल यूजर होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा उससे पहले आया था जो कि टी लेबोरेटरी द्वारा डेवलप किया गया था और लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए लाइनेक्स टोरवल्डर्स नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया था आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था और ये हमारा कम्युनिटी द्वारा कई लोगों को मिला करके डेवलप किया गया था बात समझ में आई इसको हम लोग कहते हैं लाइनेक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि जो बिना इंस्टॉल किए भी यूज कर सकते हो लो आज एक क्वेश्चन एक बहुत दमदार बात मैं तो आप लोगों को बता दे रहा हूं कि लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि जिसको आप बिना इंस्टॉल किए भी इस्तेमाल कर सकते हो बात समझ में आई और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को नॉर्मल व्यक्ति और नॉर्मल पीपल भी इस्तेमाल कर सकता है लेकिन अगर हम लोग यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े लेबोरेटरी बड़े बड़े रिसर्चर ही यूज करते हैं कोई नॉर्मल जगह नॉर्मल चीजों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है बात समझ में आई यही हमारा क्या होता है लाइनिक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनेक्स किस में यूज करते हैं भाई किसी में भी यूज कर सकते हो आप अपने कंप्यूटर में यूज करो लैपटॉप में यूज करो डेस्कटॉप में यूज करो टैबलेट में यूज करो जहां चाहो वहां यूज करो यार ऐसा कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है कि लाइनेक्स लेकिन यह है कि सिक्योरिटी से लाइनेक्स इज द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखना इस चीज को चलो इसके बाद आपका आता है विंडोज क्या आता है विंडोज विंडोज के बारे में तो हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो हर घर में है अगर आपके घर में लैपटॉप है आपके घर में अगर डेस्कटॉप है तो यू आर यूज विंडोज। चाहे वो आपका विंडोज टेन हो चाहे विंडोज सेवन हो चाहे विंडोज एट हो कोई ना कोई विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर यूज करते हो बात समझ में आई विंडोज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है विंडोज एक इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की कंपनी है जिसका नाम है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था किसका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो है आपके बिल गेट्स की किसकी है बिल गेट्स की तो बिल गेट्स की कंपनी आपकी माइक्रोसॉफ्ट है और माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है विंडोज और सबसे ज्यादा चर्चित सबसे ज्यादा यूज और सबसे इजीएस्ट अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो है आपका विंडोज सबसे सरल भाषा में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है यही कारण है कि सब लोग इसका यूज कर लेते हैं कोई बच्चा भी छोटा सा यूज कर लेता है बुढ़ा भी यूज कर लेता है बीच के तो यूजे कर लेंगे बात समझ में आई चलो इसके बाद आता है आपका डॉस थोड़ा सा डॉस के बारे में जान लेते हैं डॉस को हम लोग कहते हैं कि यह हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम थोड़ी सी डॉस की बात करें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी कोडिंग से बात होती है नहीं समझे एक बार समझ लो जैसे मान लो अगर आज आपको कोई मूवी देखना हो कंप्यूटर में तो आप क्या करते हो डायरेक्ट कंप्यूटर खोलते हो कंप्यूटर के बाद आप तुरंत यूट्यूब खोलते हो मूवी का नाम सर्च करते हो देन तुरंत आप मूवी वॉच कर लेते हो। होता है कि नहीं ऐसा होता है बिल्कुल होता है भाई हाँ बिल्कुल डॉस अब यूज नहीं होता है मुझे भी पता है इसलिए तो बता रहा हूं कि नॉर्मली आज के समय में अगर किसी को मूवी देखना हो तो वो क्या करेगा जाएगा कंप्यूटर खोलेगा यूट्यूब खोलेगा तुरंत जाकर के मूवी का नाम सर्च करेगा देख लेगा लेकिन जब हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारा यूज होता है जब हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है हाँ साजिद हाँ, बिल्कुल डिस्क नहीं यूज होता है क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बात जान लो कि हम लोगों को किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है किसकी जरूरत पड़ती प्रोग्राम की और प्रोग्राम के किए बिना हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बात समझ में आई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अब हमें मान लो घर में बैठे हैं सपोज थोड़ा सा इमेजिन करो मजा आ जाएगा अभी घर में बैठे हुए हो और पापा मम्मी कह रहे हैं बेटा थोड़ा रामायण लगाओ देख लें या कोई ग्रंथ लगाओ देख लें मूवी देख लें कुछ भी अब क्या हुआ कि आप लगे वहीं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कोडिंग करने कोडिंग करने कोडिंग करने एक घंटे कोडिंग किए मान लो किसी तरीके से मूवी तो चल गई गुस्सा पापा मम्मी का शांत हुआ फिर उसके बाद पता चला पाउस करना है या फिर उसे फॉरवर्ड करना है बैकवर्ड करना है तो फिर आप कोडिंग करने लगे तो सोचो उस टाइम पे आपके ऊपर क्या बीतेगा हम तो इमेजिन कर लिए कि कम से कम दो चार झापड़ तो पा ही जाएंगे दो चार झापड़ पापड़ काकड़ जो भी मिल जाए पा ही जाएंगे उसके बाद कहेंगे अब कंप्यूटर का तुम मास्टर भेलवा ना कंप्यूटर के टीचर हुए हो ना दो झापड़ पाने के बाद जाओ भाग जाओ यहां से अब अपना कंप्यूटर और खुद दोनों लोग यहाँ से भाग जाओ भगा दिए जाएंगे क्योंकि ये स्लो है प्लस ये प्रोग्राम के बाद ही यूज होता है बात समझ में आई ये प्रोग्राम के बाद ही यूज होता है जब तक हम लोग प्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक कोई भी एक्शन डॉस में नहीं होता है यही कारण है कि इस समय डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होता है बात समझ में आ गई चलो ठीक है इसके बाद आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंतु क्या है उबंतु थोड़ा सा डिस्कशन इसका भी कर लीजिए मन को शांति कर लीजिए उबंतु एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया है जो कि इस समय मार्केट में बहुत चर्चित है इस समय मार्केट में बहुत चर्चित है और आपको बता दें आपका जानकारी के लिए कि इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, बात समझ में आई सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम से बनते हैं क्योंकि ये मार्केट में नया है चाहे वो आपका कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो आपके ट्रिपल सी हो चाहे वो आपका ओ लेवल हो कुछ भी हो हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है हर जगह इससे क्वेश्चन आ रहे हैं हर जगह इसको, है, इसको माना जाता है उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों इसको माना जाता है ये भी जान लो आप सबसे पहली बात कि जो आपका उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इस ऑब हाँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाला सिस्टम माना जाता है क्या माना जाता है सिक्योरिटी वाला सिस्टम माना जाता है बात समझ में आई उत्तर प्रदेश से जितने लोग भी होंगे हाँ। उत्तर प्रदेश से जितने लोग होंगे इसमें उनको पता होगा कि दो हजार चौदह में अखिलेश यादव ने लैपटॉप बंटवाया था तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश भैया ठीक है सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था बच्चों को और जब उन्होंने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था तो उसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम थे पहला था आपका विंडोज और दूसरा था उबंटू हम रिसर्च किए भैया ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तब पता चला कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाला अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो है आपका उबंटू इसमें वायरस भी नहीं आते हैं और दूसरी चीज इसमें वायरस भी नहीं आते हैं और दूसरी चीज ये ज्यादा हैंग नहीं होता है और इसमें हमें एंटीवायरस भी डालने की जरूरत नहीं होती है इतना ज्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उबंतु होता है क्लियर चलो लास्ट एंड्रॉइड अच्छा भैया एंड्रॉइड तो सब लोग जानते हो क्योंकि सबके हाथ में एंड्रॉइड है है कि नहीं है, है कि नहीं है बताओ बिल्कुल है सबके हाथ में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे लोग एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं क्यों करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि सबसे इजीएस्ट अगर कोई मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो है आपका एंड्रॉइड बात समझ में आई मोबाइल फोन में यूज किया जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका एंड्रॉइड सबसे सस्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका है एंड्रॉइड सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई मोबाइल फोन के लिए है तो वो है आपका एंड्रॉइड और नॉर्मली सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सारे लोग करते हैं चाहे वो कोई भी हो सभी लोग एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं बात समझ में आई और सारे मोबाइल में यूज होता है सबसे सस्ता सबसे अच्छा चीप एंड बेस्ट बिल्कुल सही बात है अरे यार जो मोबाइल मोबाइलवा में यूज कर रहे हो उसका नाम एंड्रॉइड वे है अगर कोई मोबाइल एप्पल का नहीं यूज कर रहा होगा तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यही यूज कर रहा है बात समझ में आई जितना रियलमी रेडमी वीवो ओप्पो फलाना ढिकाना सामसंग नोकिया जितना लोग यूज करते हैं ना सब लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं भाई सब लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं जान लो आज ठीक है तो वही एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है और सब में पड़ा है जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना उस मोबाइल की कोई कीमत नहीं है मोबाइल बेकार है उसको फेंक दो कोई मतलब नहीं है बात समझ में आई लास्ट में आपका आता है मैक ये नेम नहीं ब्रांड है ब्रांड बात समझ में आई मैक आपका नेम नहीं है ब्रांड है क्यों ब्रांड है क्योंकि अगर हम मैक की बात कर लें किसकी बात करें मैक की बात करें तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है एप्पल एक नाम सुना होगा जिसका नाम है एप्पल अगर हम बात करें एप्पल की सेब की कटे हुए सेब की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग कह सकते हैं कि इस समय सबसे महंगा अगर मोबाइल कोई मिलता है तो वो है आपका मैक का यानी कि एप्पल की मोबाइल अरे भैया एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं बड़ी आश्चर्य होती है एप्पल का मोबाइल यूज कर रहे है। होता है कि नहीं होता है होता है बात समझ में आई तो वही चीज है इसी एप्पल की बात हो रही है एप्पल का जो कंपनी ओरिजिनल नेम है वो है आपका मैक जिसको हम लोग कहते हैं कि मैक ऑन टॉस मैक ऑन टॉस के नाम से हम लोग जानते हैं बात समझ में आई सबसे महंगा सबसे ज्यादा सिक्योरिटी सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा ब्रांड अगर कोई है तो वो है आपका मैक इसे हम लोग कहते हैं मेक ऑन टॉस ए 2001 में एप्पल नाम की एक कंपनी लॉन्च किया जिसे आईफोन लॉन्च करके इस दुनिया को एक अच्छा सा सिक्योरिटी वर्जन फोन दिया बात समझ में आई एक सिक्योरिटी वर्जन फोन दिया जिसका यूज लोग करते हैं क्लियर बात समझ में आ गई सबको क्लियर बात समझ में आ गई यही हमारा क्या होता है मेक ऑन टॉस होता है यही हमारा मैक होता है जो मोबाइल में भी यूज होता है और लैपटॉप में भी होता है मोबाइल वाले को हम लोग कहते हैं आईफोन और जब कभी लैपटॉप में देखोगे तो लिखा रहता है मैकबुक कभी ध्यान से देख लेना लैपटॉप का नाम एप्पल नहीं रहता है लैपटॉप का नाम मैक बुक रहता है क्या रहता है, मैक बुक रहता है। और आपका मोबाइल का नाम आईफोन रहता है यही हमारा क्या होता है मैक क्लियर बात समझ में आई यही आपका क्या होता है मैक होता है तो ये हमारा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हमने आपको एक ब्रीफली और अच्छे से प्यार से आपको एक्सप्लेन कर दिया और मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जल्दी से फटाफट सभी लोग थंब करें हम लोग आगे बढ़ें दूसरे टॉपिक की तरफ जल्दी से और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना आ रहा हो तो अगल बगल पड़ोसी का याद कर लीजिए मजा आ जाएगा ठीक है पड़ोसी के कारनामों को थोड़ा सा याद कर लीजिए अपने आसपास के तो मजा आ जाएगा ठीक है मजा हमारे यहां लेने की जरूरत नहीं है और हमारा तो कत्ता ही नहीं ठीक है हाँ पड़ोसी का याद करो चलो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हाँ, किसकी बात कर रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं नहीं है भैया ए भैया ए। ए फीमेल वर्जन मत जाइए मेल वर्जन में, में रहिए ठीक है, है? नहीं तो बहुत पिटाई खाओगे ठीक है अरे पड़ोसी में उस पड़ोसी का बात नहीं कर रहे हैं इस पड़ोसी का बात कर रहे हैं ठीक हाँ बहुत स्मार्ट बन रहे हो अपने आप को है चलो ठीक है कोई बात नहीं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें इट्स आल्सो नोन एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम्स इसको हम लोग क्या कहते हैं इट्स आल्सो नोन एज इट्स आल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम इसे हम लोग क्या कहते हैं सर्विस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं ठीक है किसके नाम से सर्विस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं प्रबंधन मैनेजमेंट और सिक्योरिटी का जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं आपके कंप्यूटर में जो मैनेजमेंट का काम करे तथा जो सिक्योरिटी का काम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं किसके नाम जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं ठीक है एक्चुअली में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की विशेषता यह होती है कि जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये बेसिकली आपके कंप्यूटर से यानी आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर से इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है ध्यान से हमारी बात समझना आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर से इसकी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस देने के कार्य में आता है यह क्या करता है सर्विस प्रोवाइडर होता है यह सिर्फ और सिर्फ सर्विस देता है जो कंप्यूटर में आपके पड़ेगा तो लेकिन इसमें कोई भी हार्डवेयर से इसकी कनेक्टिविटी नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ यह सॉफ्टवेयर ही होता है और सॉफ्टवेयर के लिए ही इस्तेमाल होता है बात समझ में आई पहली चीज ये सॉफ्टवेयर ही होता है और ये सॉफ्टवेयर के ही लिए इस्तेमाल होता है भैया सुबह सुबह ग्यारह बजे आपकी रेगुलर क्लास होती है ठीक है और रेगुलर आप लोग मिलेंगे भी चलो लास्ट में एक सूचना देनी है ध्यान रखना सभी लोग बस थोड़े देर और रुकेंगे लास्ट में एक छोटी सी आपको सूचना देनी है चलो ठीक है मैंने क्या बताया आपको इट्स आल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम इट्स नॉट डायरेक्ट कनेक्टेड टू हार्डवेयर इसका कोई कनेक्शन डायरेक्ट हार्डवेयर से नहीं होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका होता है एंटी वायरस अच्छा एक बार बताओ एंटी वायरस क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है हार्डवेयर होता है नहीं सॉफ्टवेयर होता है ठीक है और किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टवेयर को ही मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टवेयर की ही सुरक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किसी कार्य के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाता इसे हम लोग क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं किसके नाम जानते, है? है? जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं यही आपका होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझ लो भाई इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है नेक्स्ट आपका होता है डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका तीसरा पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं डिवाइस ड्राइवर क्या कहते हैं डिवाइस ड्राइवर एक बात आप जान लो एक विशेष प्रोग्राम होता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों को कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करता है बात समझ में आई नहीं समझ में आई फिर से समझो यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है उसे हम लोग ड्राइवर के नाम से जानते हैं और चक, चक्का चलाने वाला ड्राइवर की बात नहीं कर रहे हैं ध्यान सुनना जो कंप्यूटर चलाता है उस ड्राइवर की बात कर रहे हैं हम ठीक है चलो जैसे मान लो क्या हुआ अगर आपको आपके कंप्यूटर में किसी भी स्पेशल वस्तु का इस्तेमाल करना है किसी भी स्पेशल चीज का इस्तेमाल अगर करना है तो एक बात जान लो उस स्पेशल चीज के लिए आपको स्पेशल ड्राइवर का यूज करना पड़ेगा उस स्पेशल ड्राइवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस स्पेशल ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी आपका कोई भी स्पेशल सॉफ्टवेयर चलता है अन्यथा कोई भी स्पेशल सॉफ्टवेयर आपका नहीं चलेगा बात समझ में आई उसे हम लोग क्या कहते हैं हाँ ठीक है चलो ठीक है भाई बात समझ में आई यही आपका क्या होता है जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करें तो कह सकते हैं ऑडियो ड्राइवर वीडियो ड्राइवर ठीक है कोई भी स्पेशल प्रिंटर का ड्राइवर हार्डवेयर ड्राइवर सॉफ्टवेयर कोई भी किसी भी चीज का ड्राइवर हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एक खुशखबरी आपको देनी है खुशखबरी खबरी ये है कि आप लोग हमारे यहाँ जो धीरेन्द्र सर कार्यरत हैं आप लोग जानते होंगे धीरेन्द्र सर को जो आप लोगों को आप लोगों को नहीं पढ़ाए लेकिन पढ़ाए हैं आज उनकी शादी है ठीक है आज ही है तो सारे स्टाफ लोग शादी में जाएंगे और अगर आप लोगों का आदेश हो तो हम चले जाएं क्योंकि आप लोगों के आदेश का पालन हमें करना पड़ेगा ठीक है <laughs> चलो तो आज हम लोग जाएंगे शादी में और कोशिश करेंगे कि कल अगर हम टाइम से आ गए तो कल आप लोगों की क्लास होगी अन्यथा कल आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी बात समझ में आई और परसों हम लोग फिर अपने टाइम से मिलेंगे अगर मैं समय से आ गया तो क्लास जरूर ले लूंगा क्योंकि उनके घर जाना है उनके घर से बारात जाना है अरे हाँ जितने लोग भी प्रतापगढ़ के हैं जितने लोग भी उनचहार और बरेली के हैं भैया उत्तर प्रदेश में जिला का नाम ले रहा हूँ ठीक है उनके आसपास 10-20 किलोमीटर में है सभी लोग मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें और हम लोग साथ में चलेंगे हम अपनी कार से आप लोगों को लेके चलेंगे ठीक है और फिर अगर कल टाइम से आ गए तो कल क्लास चलेगी अन्यथा परसों आपकी टाइम से क्लास चलेगी ठीक है आज शादी है सत्रह तारीख है आज ठीक है भैया अशोक जी आप नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पे WhatsApp करें और जम के डांस भी करना है और डांस की वीडियो भी आपको पोस्ट करेंगे हम धीरेन्द्र सर की अपनी नहीं ध्यान रखना इस चीज को ठीक है हाँ हाँ कोरोना है बच के काम करना है भाई <laughs> हाँ बिल्कुल मास्क लगा के और डिस्टेंसिंग का पालन करना है बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार मिलता है कि अंदर से खुशी होती है ठीक है अरे वो वाली खुशी नहीं हाउ वाली खुशी ठीक चलो हाँ जी चलो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग अब मास्कअप अप, बिल्कुल जी अनुज यादव सभी लोग अपना ध्यान रखें फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में सभी लोग को बाय टेक केयर जय हिंद हाँ जी चलो